हाय फ्रेंड्स, पवन किचन में आपका स्वागत है। और अभी आप देख सकते हो मैंने एक स्वीट रेसिपी बनाई है और ये बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी सॉफ्ट है ये और कितनी मॉइस है ये। और आपको ये बनाने में बहुत इजी है और रक्षाबंधन पे आप स्पेशल बना सकते हैं और ऐसे भी आप बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं ऐसी रेसिपी। तो अभी देखिए मैंने ये बनाया है मखाने से। मखाना लिया है मैंने एक बाउल भर के करीब 200 ग्राम, और इसको मैं अच्छे से धीमी आँच पे रोस्ट कर रही हूँ इनको अच्छे से। तो हमें इनको रोस्ट ही करना है हल्का हल्का सा, थोड़ा क्रंची हो जाए ये। तो आप इनको बार बार चेक भी करते रहे, ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, हल्का हल्का रोस्ट करना है। तो अभी फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपको स्वीट की रेसिपी पसंद हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी मेरा मखाना अच्छे से क्रंची हो चुका है, तो मैं इसको देखो आपको तोड़ के बता रही हूँ। एकदम अपन को ऐसे ही देखना है, चेक करना है, एकदम अच्छे से हो जाना चाहिए। तो अभी मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और अभी वापस मैंने पैन को थोड़ा सा गर्म करके एक स्पून छोटा वाला जो है डालना है, और उसमें मैं ये काजू और बादाम दोनों को बारीक बारीक कट करके थोड़ा इनको भी मैं फ्राई करूँगी। और साथ में मैंने थोड़ा सा कोकोनट लिया है ड्राई वाला, तो इसको भी मैं साथ में डाल के थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये फ्लेवर में अच्छा होता है रोस्ट करने से। तो मैं इनको एकदम धीमी आँच पे ही कर रही हूँ, नहीं तो ये जल जाएंगे और कड़ापन हो जाता है इसमें। तो अभी ये भी लगभग हो ही चुका है, इसको मैंने अच्छे से धीमी आँच पर रोस्ट किया है, तो इसको भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। और इसके साथ ही मैं मखाने को, ठंडा हो गया मखाना तो मैं इसको मिक्सी में अच्छे से पाउडर बना लूँगी इसका। अगर आपका जार बड़ा हो तो एक साथ कर सकते हो। देखिए एकदम फाइन पाउडर बनाया मैंने इसका, ये देखिए हमें ऐसा ही बना के रखना है। इसको पूरा मैंने जार में से निकाल लिया है। अभी मैं वापस पैन को गर्म होने के लिए रखा है। अभी इसमें मैंने 2 स्पून घी लिया है, ये बहुत कम घी में बनने वाली मिठाई है। और भी वही मैंने जो पाउडर था मखाने का उसको ले लिया है। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करना है क्योंकि ये पहले से ही पका रखा है, ज़्यादा इसको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बस घी में है इसको मिक्स करने के लिए हमें इसमें डाला है। तो हल्का से इसको मैं हिला दूँगी, मिला लूँगी घी के अंदर। और इसको भी हमें धीमी आँच पे ही रखना है, गैस हमें फुल बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, इसका आप खास तौर पर ध्यान रखिए। अभी मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो फ्राई किए थे वो मैं इसमें मिला दूँगी, देखिए। और अभी हमें पाउडर शुगर लेना है, जो पीस के ले सकते हैं आप। मैंने अभी इसमें 2 स्पून भर के डाली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हैं, और अगर मीडियम पसंद है तो आप उतना ही रखिए, मतलब खाने का हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो अभी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा इसमें जो डलिया है वो निकल जाएगी अच्छे से। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें, ये देखिए हाथ से दबा के कर रही हूँ मैं। और अभी मेरा बैटर एकदम ब्रेस मतलब एकदम तैयार है। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए इतना ही दूध लेना है हमें, और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे इसमें दूध को, ये देखिए मैंने मिला दिया इसमें। अभी पहले इसको पूरा मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद में मैं और डालूँगी दूध अगर कम रहेगा तो। पहले हमें पूरा मिक्स करना है, ये देखिए पूरा मिक्स एंड मिक्स हो चुका है। मैंने वो दूध बचा था वो भी मैंने पूरा डाल दिया इसमें, देखिए। और इसको मैं अच्छे से इस पैन में अच्छे से मतलब इसको जब तक ये अच्छा एकदम बैटर बन जाए, मतलब एकदम अपनी मिठाई के वो उसमें आ जाए, उस तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो ये देखिए मैं उसको मतलब दबा दबा के पैन में अपने आप से छोड़ रहा है वो। यहाँ पे हम 1 स्पून घी और डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा सा उसको एकदम मॉइस और अच्छा करने के लिए। मैं देखिए डाल रही हूँ, स्पून के बराबर तो बहुत कम होगा, आधा स्पून ही होगा क्योंकि मेरा चम्मच छोटा है।
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 चम्मच घी लगे हैं हमें, सिर्फ 2 चम्मच, जो हम खाने वाली स्पून होती है ना घर में वही। तो इसको देखिए कि अच्छे से हमने कर लिया इसको, और अभी मैं इसको भी ठंडा होने के लिए रखूँगी साइड में। ये देखिए एक प्लेट है, उसमें निकाल लेती हूँ इसको मैं अच्छे से बैटर को पूरे को। और अगर आपको इसको अगर जमाना है तो आप इसको जमा भी सकते हैं, लेकिन मैंने अभी पेड़ा शेप में बनाना है तो मैं इसको निकाल के ठंडा करूँगी। देखिए मेरा एकदम ठंडा हो चुका है, मैंने इसको ठंडा कर लिया है और आप देख सकते हो एकदम कैसा हो गया है। तो थोड़ा सा हाथों को, वैसे भी इसमें घी है, मेरे हाथ पे अपने आप से घी नहीं लगाया मैंने, उसी से हो रहा है ये, दबा के थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, हाथ से शेप देना पड़ेगा पेड़ा का। ये देखिए गोल गोल करके, और ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। और ये बच्चों को जैसे हम स्नैक्स के टाइम में एक दे सकते हैं, मखाने से बने हुए मिठाई, आप सोच सकते हो कि कितना एनर्जी रहता है इसमें और कितना मतलब है। तो अभी ये देखिए हमें हाथ अंगुलियों की सहायता से अच्छा सा पेड़ा बना लेंगे। इसमें मैं एक बादाम भी लगा दे रही हूँ, ये एक छोटा सा बेबी कप है जो मेरा बच्चों ने ला के रख दिया इधर। तो ये देखिए मेरी मिठाई बन के रेडी हो चुकी है।